कर्तव्यों का बोध कराती, अधिकारों का ज्ञान शिक्षा से ही मिल सकता है, सर्वों पर सम्मान। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए मात्र को स्वागत दिया। सफल भी हुई।
तो माता सावित्री बाई फुले ने इस ज्ञान के प्रकाश को महिलाओं तक, समाज तक बहुत फैलाया, क्योंकि शिक्षा ही एक ऐसा मुद्दा है जिसके द्वारा आप लोग का विकास पूरा किया जा सकता है। अब ये मानिए कि जो शिक्षा है वो शिक्षा क्यों जरूरी है महिलाओं के लिए? अगर नारी पढ़ी लिखी होगी तो क्या होगा? उसका शोषण नहीं होगा। जो समाज में जो कुरीतियां है, जो कुरीतियां फैली है, उसका उससे रोकथाम होगा अगर महिला शिक्षित होगी तो। अगर महिला शिक्षित है, पढ़ी लिखी है, तो वो किसी पे निर्भर नहीं होगी, वो अपना किसी भी रूप से किसी पे सक्षम हो सकती है। और आने वाले जो पीढ़ियां रहेंगी वो क्या रहेंगी? शिक्षित रहेंगी। शिक्षा का, क्योंकि माँ ही एक पहली गुरु रहती है, बच्चे की पहली गुरु कौन होती है? माँ होती है। अगर माँ शिक्षित है उसमें, तो आने वाली पीढ़ियां क्या रहेंगी? वो भी शिक्षित रहेंगी। आपका आर्थिक, अगर कोई महिला काम करती है, पढ़ी लिखती है, नौकरी करती है, तो आपका जो आर्थिक सहयोग भी देगी। आजकल के पुरुष, पहले के पुरुष घर औरतों को नौकरी करने के लिए नहीं कहते थे, नौकरी के लिए उनको मना करते थे कि नहीं, क्योंकि हमारा जो समाज है वो क्या, पुरुष प्रधान है। ये होता था कि नहीं, महिलाओं से जो पैसा है, जो नौकरी अर्न करती है, हम कैसे उसका इस्तेमाल कर सकते हैं? पर ये सोच गलत है। अगर दोनों लोग कमाएंगे तो क्या होगा? आपका विकास होगा, आप लोगों में समानता आएगी, आपका आर्थिक मदद भी करेगी। और नारी का क्या है कि सामाजिक, जो नारी अगर शिक्षित होगी तो क्या होगा? जो हमारा सामाजिक स्तर है वो भी एक तरीके से सुधरेगा। महिलाओं और पुरुषों में जो असमानता हमारे समाज में फैली हुई है वो भी क्या होगी? धीरे धीरे कम होगी। इसलिए जो महिला शिक्षा है बहुत ज्यादा जरूरी है। महिला शिक्षा एक बहुत बड़ा मुद्दा है। नेल्सन मंडेला ने बोला है कि शिक्षा ही एक ऐसा औजार है जिससे हम सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए अगर महिला शिक्षित है तो उसका जो प्रकाश, सकारात्मक प्रभाव है, वो आपके परिवार, वो आपके समाज में फैलेगा। इसलिए मैं आप लोगों से अनुरोध करूंगी कि आप अपने बच्चों को, बच्चों में आप बालक और बालिका, मतलब लड़के और लड़कियों को, दोनों को सम्मिलित करिए। उनको आप जितना हो सकता आप उनको पढ़ाएं, क्योंकि पढ़ाई और शिक्षा ही एक ऐसा द्वार है जो सारे, जो रास्ते में परिस्थितियां, कैसी भी परिस्थितियां, उनसे आप गुजर के आगे निकल सकते हैं। आप सोचिए, जब उस जमाने में शिक्षा से माता सावित्री बाई फूले आज यहाँ तक लोगों के लिए काम किया, तो शिक्षा के माध्यम से आप कुछ भी प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए आप अपने बच्चों को खूब पढ़ाइए, जितना हो सकता है पढ़ाइए। थोड़े अगर खर्च कम कर सकते हैं वो कहीं और से, मगर शिक्षा में जरूर उनका इस्तेमाल करिए, क्योंकि अगर आप बच्चे पढ़ेंगे तो आपका आने वाला जो भविष्य है वो भी बहुत सुनहरा रहेगा। आप अपने आने वाली पीढ़ी को बहुत अच्छा गिफ्ट देके जाएंगे। उनको और कुछ नहीं चाहिए, बस आप उनको शिक्षा देंगे तो वो सारा कुछ खुद से कर सकते हैं। और एक बात और बोलना चाहूंगी कि अगर एक हमारे समाज में अभी भी ऐसा है कि जब लड़की जब पैदा होती है, सबके यहाँ नहीं है, कहीं कहीं अभी भी सुनने में आता है कि जब लड़की पैदा होती तो लोगों के बहुत खुश नहीं होते। इवन ऐसा भी होता है कि पुरुष, चलो मान लिए वो खुश नहीं होते, मगर औरतें भी दुखी हो जाती हैं कि हमारे घर में लड़की पैदा हुई। आप भी तो किसी की लड़की है, अगर आप लोग नहीं होते तो लड़कियां कहाँ से आती? तो आप लड़कियों को बोझ मत समझिए। अगर आप पढ़ाएंगे लिखाएंगे तो वो आपके बुढ़ापे में आपका सारा वो भी बन सकती है, पर उसके लिए आपको उनको इस दुनिया में लाना पड़ेगा, आप उनको शिक्षा देना पड़ेगी। आप अगर आप ऐसा करेंगे तो आपका आने वाला भविष्य सब कुछ बहुत अच्छा होगा। तो इसीलिए मैं आप लोगों से बार बार यही बोलती हूँ, क्योंकि मैं भी एक शिक्षिका हूँ, तो जब अपनी क्लास में जब मैं बच्चों को देखती हूँ और जब लड़कियों को देखती हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। इसीलिए आप जितनी भी महिलाएं हैं और पुरुष, उन लोगों से ये बोलूंगी कि आप अपने बच्चों को खूब पढ़ाइए, और ये जो समाचार है धीरे धीरे और लोगों तक ही पहुंचाइए, क्योंकि शिक्षा एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा समाज का विकास हो सकता है, और इसके अलावा और कोई चाबी नहीं जिससे समाज का विकास हो सकता है। एक लाइन बोलना चाहूंगी, ना करो बेटी से भेदभाव, उन्हें भी दो शिक्षा का उपहार। ना करो बेटी से भेदभाव, उन्हें भी दो शिक्षा का अधिकार। हर नारी का यही है नारा, तुम मुझे शिक्षा दो, मैं तुम्हें दूंगी कल सुनहरा कल। एक करो शिक्षा की मसाल, जिससे हो पूरा रोशन संसार। इन्हीं शब्दों से मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ।
और कानपुर महिला अशोक सम्राट का महिला विंग को मैं धन्यवाद देती हूँ कि मुझे फिर से एक अतिथि के रूप में बुलाया और मैं अपनी बात आप लोग के सामने रख पाई। धन्यवाद। धन्यवाद माधवी जी, बहुत ही खूबसूरत बातें आपने कही कि महिला और पुरुष दोनों की ही शिक्षा समाज के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। इसी नारियों की शक्ति का एक आप गीत सुनिए नारियों की शक्ति के ऊपर, जिसको स्वरबद्ध किया है मांडिया अंशु, मांडिया एकता। और इस गीत को संगीत से सजाया है मांडिया सुमन जी। मांडिया सुमन जी ने सोचिए इस उम्र में ऑनलाइन कैशियो बजाना सीखा है और बहुत ही कम टाइम में इन्होंने काफी अच्छी प्रगति कर ली है। इसके लिए इन्हें जोरदार तालियां। बहुत ही जोश है इनमें, बहुत ही अच्छा लगा कि हमारी महिला टीम में ऐसी महिला है कि इन्होंने ऑनलाइन सीखा है। नारियां देश की जाग जाएं, अगर इसको पंक्तिबद्ध किया है माननीय रश्मि कुशवाहा जी ने, स्वरबद्ध किया है माननीय अंशु एकता। Thank you.
कदम की।